हेलो चिराग, हेलो निकिता, मानव, प्रिया।
हेलो मिस्टर अनुज। चलो आगे सब लोग, चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो कल अपन ने क्या देखा था। हमने स्टार्ट किया था AS 26, तो वहाँ पे पढ़ा था असेट का डेफिनेशन और फिर पढ़ा था इनटेंजिबल असेट क्या होती है। बराबर है, तो मैंने बोला किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है वो हमने पढ़ लिया। फिर असेट, इनटेंजिबल असेट मीन्स क्या, दैट इज योर आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी, ठीक है, असेट विदाउट अ फिजिकल सब्सटेंस, हेल्ड फॉर द यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, रेंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। एंड असेट इज रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। तो ये हम ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ चुके थे। अब असेट में मैंने बोला कि असेट को आप मेजरमेंट कैसे करोगे। मैंने बोला दो तरह की चीज़ें हो सकती है, द फर्स्ट वन इज योर सेल्फ जनरेटेड असेट, सेकंड इज योर एक्वायर्ड असेट। तो सेल्फ जनरेटेड है तो गुडविल का तो मना बोलता है, बट अदर असेट में क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड R&D। तो यहाँ पे अगर रिसर्च हुआ तो आपको डालना है कहाँ पे, पेनल में। रीजन क्या था कि भाई असेट आप बोल नहीं सकते असेट बनेगी, तो कैसे असेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। ओके, फिर बात बची क्या डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में आप बोल सकते हो लेकिन कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी। तो अब कितने पे वैल्यू करूँगा ये वाला मेरा क्वेश्चन था। तो मैंने बोला था लोअर ऑफ कॉस्ट और PV ऑफ कैश इनफ्लो, विच एवर इज लोअर होगा, यानी कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विच एवर इज लोअर, उस पर बुक करूंगा। और जो भी अगर मान लो एक्सेस अमाउंट बच जाता है मेरे पास, उसको मैं अमोर्टाइज करूंगा, यानी पीएनएल में डाल दूंगा। उसके बाद बोलता हमने अगर मैंने असेट एक्वायर्ड की है, परचेज की है, तो कैश में परचेज की है, बैंक से की है, तो नेट कॉस्ट जो भी होगा वो आएगा, और अदर की है तो आपका फेयर वैल्यू, ठीक है, दोनों असेट में से जिसका भी ज़्यादा एविडेंट होगा, ज़्यादा बेस ले सकते हो उसके ऊपर अपन करेंगे। तो ये हमने देखा था, राइट। अब नेट कॉस्ट क्या होती है वो भी हमने देख लिया। एक बैड रिसर्च बताया था कि भाई अगर आपको लगता है कभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, आपको लगता है ये असेट कुछ काम के नहीं है, तो आपको उसी टाइम पे उस असेट को क्या करने का है, राइट ऑफ कर लेने का है। डन, यहां तक हमने पढ़ा था, बताइए यहां तक किसी को भी डाउट है तो बोल सकते हो। बोलो जी, जो अपन ने पढ़ा था क्या उसमें किसी को डाउट है? चलिए फिर, तो अभी अपन आज चाह रहे हैं कुछ क्वेश्चन है AS 26 के, वो करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अमोर्टाइजेशन, ठीक है, इनटेंजिबल असेट का अमोर्टाइजेशन भी होता है वो भी देखेंगे, वो सब क्या होता है मैं समझाएगा तुमको। चलो पहले अपन शुरू करते हैं यहाँ पे। चलिए फिर, द फर्स्ट वन इज योर डिसाइड व्हेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट कैन बी डेफर्ड टू फ्यूचर पीरियड एज पर द AS 26। तो क्या कंडीशन होती है, वो कंडीशन जो थी ना मैंने बताया था आपको, टेक्निकली फिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो सब यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका थियोरी का है जिसमें वो कंडीशन समझाई गई है, तो ये भी तुम्हारी वो कंडीशन, ठीक है, AS 26 में बस एक ही कंडीशन है, ये पाँच कंडीशन, छः कंडीशन जो भी आपको देख लेने की है। सेकेंड, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया है इंटरनल यूज़ के लिए, तो कैसे आप उसका अकाउंट करोगे, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे अपने को अकाउंट करना चाहिए। आगे बोला है व्हाट आर द कॉस्ट आर टू बी इंक्लूडेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कौन कौन सी कॉस्ट अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो जो भी आपकी लगी है डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी आपका सब सब खर्चा ऐड उसमें कर लेंगे। तो ये सब थियरी वाली थी, ये ठीक है, अपने को जो शुरू करना है वो यहाँ से अपन करते हैं। चलिए
पहली चीज 71 क्वेश्चन नंबर अपन पढ़ रहे हैं। एबी लिमिटेड लॉन्च अ प्रोजेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स इन अक्टूबर 2009। तो एबी लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट के लिए इन अक्टूबर 2009 में। द कंपनी इनकर 20 लाख टूवर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अप टू 31 मार्च 2011। कंपनी ने R&D पे कितना खर्चा किया है? 20 लाख का। ड्यू टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन द मैनेजमेंट केम टू द कंक्लूजन दैट द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। अब हमने क्या पता किया है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है ना आपका, ये आने वाले 10 साल तक तो कोई सेल होगा नहीं और ना इससे कुछ काम आएगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट फ्यूचर में अपना कुछ काम आने वाला नहीं है, तो R&D मतलब गड़बड़ हो गई। द मैनेजमेंट हैंड्स वॉन्ट टू डेफर द एक्सपेंडिचर राइट अप टू द फ्यूचर ईयर। अब वो मैनेजमेंट क्या चाहता है कि मैं है ना जो भी मेरा एक्सपेंस हुआ है उसको डेफर्ड करूँ। डेफर्ड मतलब एक साथ में प्रॉफिट एंड लॉस में ना डाल के धीरे धीरे डालूँ, ऐसा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड। तो आप बताइए क्या वो ऐसा कर सकता है, बताओ। अगर आपको लगता है कोई असेट है आपके पास जिसमें कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा, तो मैनेजमेंट बोलता है कि हम उसको अभी पेनल में नहीं डालेंगे, हम उसको फ्यूचर में डालेंगे, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बोलो। चिराग बोल रहा है यस। बाकी लोग कहाँ हैं? बोलो। मानो भी बोल रहा है यस सर। निकिता भी बोली यस सर। प्रिया भी बोलती है सर। चलो मैं फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, जरा आप सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने R&D पे कुछ खर्चा किया है, आपने क्या किया है, R&D कुछ किया है, खर्चा किया है, ओके। अब आपको पता चलता है कि जो आपने खर्चा किया है जिस प्रोडक्ट बनाने में किया था, वो प्रोडक्ट अब मार्केट में कभी सेल नहीं हो पाएगा, वो प्रोडक्ट कुछ काम का नहीं है। तो मैनेजमेंट चाहता है कि जो मैंने खर्चा किया है उसको मैं डेफर्ड करूँ। डेफर्ड मतलब आने वाले साल में राइट अप करूँ, ये साल में राइट अप नहीं करूँ। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? सब लोगों ने आंसर दिया है यस 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 यस, ठीक है। अब तुम मेरे मुंह से सुनोगे कुछ अच्छे वर्ड, ठीक है। लेट्स सी तुम क्या सुनोगे मेरे मुँह से अच्छे वर्ड। तुम पहली चीज़ तो मुझे ये बताओ, जब जब फ्यूचर में असेट रहेगी नहीं तो तुम उसको अमोर्टाइज मतलब डेफर्ड क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे पास फ्यूचर में असेट ही नहीं है तो तुम उसको डेफर्ड क्यों करोगे? आपको उसी टाइम पे राइट अप करना पड़ेगा जब असेट की बात ही नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं होगा अपने को, तो फिर अपन क्यों उसको डेफर्ड करेंगे? डेफर्ड मतलब फ्यूचर के ईयर में राइट अप करना। हम मैंने क्या लिखा था कि जब भी आपका असेट आप कर रहे हो, R&D कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो और आपको पता चलता कि उससे मुझे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है फ्यूचर में, तब हमको उसी साल उसी टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस में राइट अप करना है। उसको मैंने तुमको बोल रहा था बैड रिसर्च वर्ड देना, कोई रिसर्च कुछ काम का नहीं आया और तुम बोलो यस 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 यस। किस हिसाब से तुमने यस बोला? आपको डेफर्डमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं आई अगर बैड रिसर्च हुआ तो। उस टाइम पे आपको पूरा उसी साल में जिस टाइम आपको लगता है कि अभी कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा, उसी टाइम पे उसको पूरा राइट अप कर देंगे, लॉस दिखा देंगे जो आपने खर्चा किया कुछ काम का नहीं आया। लॉजिकली भी ना, आप किसी चीज़ पे खर्चा कर रहे हो और आपको पता चलता है कि उसका कुछ बेनिफिट नहीं है फ्यूचर में, तो फिर क्या मतलब है? अच्छे से थोड़ी दिखा सकते हैं अपन उसको, उसको अपन सीधा उसी टाइम पे पेनल में राइट अप कर लेंगे, पूरा पूरा लॉस दिखा देंगे, लॉस हो गया भैया अपना। तो ऐसा कि भैया मैं COVID-19 का वैक्सीन बनाने जा रहा हूँ और पता चला कि COVID-19 खत्म ही हो गया पूरे वर्ल्ड से एकदम अचानक से,
वो वैक्सीन क्या काम का, कुछ काम का है, कुछ बेनिफिट होगा, कुछ भी नहीं होगा, लोग लगाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा COVID-19 चला ही गया एकदम से, तो फिर क्या मतलब, वो सारी दवाइयाँ वेस्ट है उनके लिए। बैड रिसर्च। वो योगेश बाबू तो अच्छी वो अपने को नहीं चेक करना है, सच है ना। अगर आपने कोई खर्चा किया है, ठीक है, अगर आपने कोई खर्चा किया है और उसका बेनिफिट नहीं होगा तो लॉस हुआ ही ना तुम्हारा, रियल में भी तो लॉस ही है। कि नहीं है, तुम ये बताओ क्या रियल में लॉस है कि नहीं है। इतना कंपनी का भला नहीं सोचते कि आप रूल ही चेंज कर दो। हाँ, ये तो ऐसा हो गया, किसी को मारने की सज़ा दी, ठीक है, कोई क्राइम कर आया, कोई किसी का टेररिस्ट आया मान लो, और गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया कि भाई टेररिस्ट लोग आपको सजाए मौत मिलेगी, और आप बोल नहीं सर जाए तो ना दर्द होगा उसको, तो छोड़ देते हैं उसको या जेल में रखते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, वो अपने को थोड़ी सोचने का है, अपना काम क्या, अगर रूल क्या है, रूल ये बोलता है कि भैया अगर आपको किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप उसको असर नहीं दिखा सकते, आपको उसी टाइम पे उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई बात, ठीक है, बोलो समझा कि नहीं समझा। योगेश बाबू नाउ लिसन, क्या है आंसर? एज पर द पैरा 41 ऑफ एस 26 इंटेंजिबल असेट, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड, एन इंटेंजिबल असेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट और फ्रॉम द डेवलपमेंट फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज इफ एंड ओनली इफ द एंटरप्राइज कैन डिनोमिनेट ऑल द कंडीशन स्पेसिफिक इन पैरा 44 ऑफ द स्टैंडर्ड। An intangible asset arising from development should be de-recognized when no future economic benefit are expected from its use according to the para 87 of the standard. Therefore, the management cannot defer the expenditure right up to future year. Hence, the expenses of amounted to 20 lakh incurred on the research and development project has to be written off in the current year itself, that is 31st March 2011. ओके तो देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या बोल रहा है कि एक तो होता है तुम्हारा रिसर्च का खर्चा तो ऐसे बिल में जाता है, एक होता है तुम्हारा डेवलपमेंट का खर्चा, अगर उसमें जो कंडीशन पूरी करता है तो अपन क्या करते हैं उसको एज अ असेट बुक करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अगर अपना डेवलपमेंट का जो खर्चा है ना, अगर आपको लगता है कि भाई फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होगा तो वो पूरा कहाँ पर जाएगा, P&L में राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि असेट ही नहीं तो कहाँ असेट दिखाओगे तुम लोग। चलो इसका आंसर बताओ। एम लिमिटेड लॉन्च अ प्रोजेक्ट फॉर द प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए इन नवंबर 2008। द कंपनी इंकर 30 लाख टू वर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अप टू 31st मार्च 2010। तो कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, ए, और कंपनी ने उसके ऊपर खर्चा किया R&D का 30 लाख रुपए का। ड्यू टू अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन, मार्केट में कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से क्या हुआ, द मैनेजमेंट को लगता कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट सो मैनी ईयर। अब उनको लगता कि भैया ये जो अपन प्रोडक्ट बना रहे थे ना, ये फ्यूचर में कभी भी सेल नहीं होगा, कोई लेने वाला इसका नहीं है, तो अब तकलीफ हो गई क्योंकि आपने जो खर्चा किया था उससे अपने को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ये बता रहा है द मैनेजमेंट हैंड वॉन्ट्स टू डेफर द एक्सपेंडिचर राइट अप टू फ्यूचर, मैनेजमेंट चाहता है कि हम उसको अभी P&L में डाल के फ्यूचर में डालें। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है?
ओके राइट आंसर, आप बराबर बोला। नहीं, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होगा तो आपको उसी टाइम पे पीएनएल में ऐड डाल देना है। तो वही देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन समझाई गई है, पूरा डेफिनेशन है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा डेफिनेशन है, क्योंकि अपना आंसर तो एक लाइन का ही है कि पूरा पीएनएल में डालने का है, तो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा डेफिनेशन और समझाऊंगे उसको कि क्या होता है। देयरफॉर द मैनेजमेंट कैन नॉट डेफर द एक्सपेंडिचर राइट अप टू द फ्यूचर एंड द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंसेस द एंटायर अमाउंट ऑफ 30 लाख इन द पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2010। इस तरह से पहले आपको समझाना पड़ेगा और उसके बाद आपको पूरा इसको लिखना पड़ेगा कि भाई अपन पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे। बोलो ये समझ में आया आपको, एनी डाउट? ठीक है चलो, अब सुनो आगे। द कंपनी एक्वायर्ड फॉर इट्स इंटरनल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन 28 जैन 2012 फ्रॉम द यूएसए फॉर $1,00,000। एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया है, कितने में किया है? $1,00,000 में। एक्सचेंज रेट ऑन द दैट डेट वॉज 52 पर USD। उस दिन जो तुम्हारा डॉलर का रेट था वो कितना था? 52 पर USD, एक डॉलर का रेट 50 रुपया। द सेलर अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। सेलर ने अपना को बेटा 5% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर $1,00,000 का तुम्हारा प्राइस था और सेलर ने डिस्काउंट दिया है 5% का डिस्काउंट, तो तुम मुझे बताओ, पहली चीज़ तो ये बताओ कि ये डिस्काउंट डॉलर में दिया होगा कि रुपीज में दिया होगा। सेलर ने डिस्काउंट दिया है 5% का, तो ये डिस्काउंट डॉलर में दिया होगा कि रुपीज में दिया होगा, बताओ? ये डॉलर में होगा कि रुपीज में होगा? वेरी गुड, तो किस में होगा? ये डॉलर में होगा ऑब्वियसली। तो मुझे, मैं सीधा यहां पे माइनस कर लेता हूं, $1,00,000 माइनस 5% यानी $5,000, तो ये बेटा बच गया $95,000। तो मेरा, मुझे कितने में पड़ा? ये $95,000 में पड़ा। क्या ये तुमको समझ में आया? अब समझो आगे। अब बेटा आगे वो बोल रहा है कि अदर एक्सपेंडिचर उसके ऊपर ऐसा हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी पे किया 20%। अब तुम मुझे बताओ, इंपोर्ट ड्यूटी किस पे लगता है? डॉलर पे लगता है कि रुपीज पे लगता है? सोचने वाली बात ना, इंपोर्ट ड्यूटी तुम्हारा किसके ऊपर लगता है? डॉलर पे लगता है कि रुपीज वाले पे? रुपीज पे लगेगा। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, ठीक है। रुपीज पे लगता है तो मुझे इसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 95,000 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई विल कन्वर्ट दैट 95,000 इनटू कितना करूँगा? 52 रुपीज। तो बेटा मेरा, मुझे रुपीज मिल जाएगा 95,000 × 52, दैट इज 49,40,000। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? यस, 49,40,000 अपना आ गया अमाउंट, बराबर है। नाउ इसके ऊपर प्लस करना है तो तुमको 20% इंपोर्ट ड्यूटी, बराबर है। अब सुनो आगे, सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग वाला मामला, परचेज टैक्स। परचेज टैक्स, परचेज टैक्स किस पे लगेगा? 49,40,000 प्लस 20% तुम्हारा आता है 59,28,000। परचेज टैक्स किस पे लगेगा बेटा? इस पे लगेगा कि इस पे लगेगा? बस एग्जाम में तुम ये गलती करते हो, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। परचेज टैक्स किसके ऊपर लगेगा? मतलब 49,40,000 या 59,28,000? सब लोग बोलो 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 बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, सब लोग जल्दी बोले।
अटक गया क्या नेट वापस? अरे यार चलो आ गया आ गया आ गया। चलो सब लोग बताएं मुझे किस पे लगेगा तुम्हारा परचेज टैक्स, 49,40,000 सब लोग, या 59,28,000? किस अमाउंट पे आप लगाना चाहोगे परचेज टैक्स बताओ। दो अमाउंट मेरे पास है। एग्जाम में सबसे बड़ी गलती यही तुम करते हो, पूरा क्वेश्चन मैं इसी के लिए समझा रहा है, यानी कि जो अब इसका वैल्यू हो चुका है या जो वैल्यू पहले था। बोलो बाकी लोग, एग्जाम में तुम लिखोगे तो ऐसे ही सॉल्व करोगे ना, तकलीफ होगी अपने को। ये परचेज टैक्स किस पे भरे, ऊपर वाले के भरे नीचे वाले पे भरे? चलो वेरी गुड, सबने आंसर बराबर दिया है, दैट इज 59,28,000। क्योंकि आज अपने लिए जो वैल्यू हुआ है वो कितना हुआ है, ये वाला वैल्यू 59,28,000 तेरे लिए वैल्यू हो चुका है। तो गवर्नमेंट टैक्स भी इसी के ऊपर लगाएगी। बोले तेरा वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया ना? बोला हाँ, तो अब आज से तेरा टैक्स इसी के ऊपर लगेगा। बोले समझ में आया ये वाला? तो कितने पर लगेगा, 59,28,000 पर 10%। तो बेटा इसके ऊपर प्लस 10% कर लो, तो 59,28,000 प्लस 10% 65,20,800। क्या ये आपको समझ में आया? ओके राइट, 65,20,800। नाउ देयर इज द एंट्री टैक्स विच वॉज रिकवरेबल लेटर फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आपका जो एंट्री टैक्स है वो आपको रिकवर हो जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट से। तो मैंने बोला था कभी भी कोई रिकवरेबल रिफंडेबल है तो उसको कंसिडर नहीं करने का है, तो मुझे ये देखने का ही नहीं है, हटा दिया मैंने इधर से, नहीं देखने का अपने को, दिमाग में से निकाल दो। जो रिकवरेबल है उसको नहीं देखेंगे, पूरा हटा दो इधर से, बस देखने का ही नहीं है अपने को। बोलो समझ में आया ये वाला? नाउ इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, यस सर ये तो ऐड होगा, रीजन कि मैंने बोला फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले सारे खर्चे ऐड होते हैं, तो ये तो पूरा का पूरा 25,000 इसमें ऐड कर लो। और यहाँ पे प्रोफेशनल फीस भी पे की है तो ये भी ऐड कर लो 20,000। तो बस, तो 65 लाख इसमें ऐड कर लो 25,000 और ऐड कर लो 20,000। तो बेटा तेरा आंसर आया 65,65,800। लेट्स सी, 65,65,800। बोलिए क्या आपको ये समझ में आया? ओके तो देखो आपको प्रेजेंट कैसे करने का, एग्जाम में सबसे पहले परचेज कॉस्ट आप लिख दो, ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो भी है 5,000, तो 95,000 डॉलर आ गया। फिर उसको कन्वर्ट इन रुपीज़ लिख देना कॉस्ट, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड इम्पोर्ट ड्यूटी 20%, तो तुम्हारा ये वैल्यू आ गया, ऐड परचेज टैक्स, ऐड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ऐड प्रोफेशनल फीस, तो टोटल जो तुम्हारा कॉस्ट आ गया 65,65,800। ये जो कॉस्ट है तुम्हारा ये आएगा एज अ इनटेंजिबल असेट AS 26 के हिसाब से, और ये आएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में। क्या आएगा? बैलेंस शीट में। नीचे नोट भी लिख देना, सिंस एंट्री टैक्स हैज बीन मेंशन एज अ रिकवरेबल रिफंडेबल टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट। नोट भी लिखना पड़ेगा, एक मार्क का ये रहता है, 1 मार्क। तो मान लो 5 मार्क का आता है ये, तो बेटा 5 में से 1 मार्क सिर्फ इस नोट का रहेगा। तो अगर आपने जिन जिन को छोड़ा है, नहीं लिया है, उसका नोट भी दीजिए कि भैया क्यों छोड़ा है, बिकॉज वो रिफंडेबल है इसकी वजह से। ठीक है जी, तो ये था तुम्हारा एक और क्वेश्चन जो अपन ने किया।
चलो अभी ये देखिए जी, तो आपने जो अभी जो पैसे पहले देखा था वो था कि आपने असेट को कॉस्ट मतलब कैश दे के परचेज किया है, इनटेंजिबल असेट को एक्वायर्ड किया है और कैश में, तो आपने देखा। अब मैं बोल रहा हूँ इनटेंजिबल असेट को आपने जनरेट किया है, इन दैट केस क्या होगा? R&D वाला एक्सपेंस। प्लायमाथ लिमिटेड इज एंगेज इन द रिसर्च ऑन अ न्यू प्रोसेस डिजाइन फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो कंपनी जो है आपकी एक डिजाइन प्रोसेस में लगी हुई है। इट हैड इंकर्ड 10 लाख ऑन रिसर्च ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 12-13। आपने रिसर्च पे बेटा कितना खर्चा किया है? 10 लाख रुपए का 12-13 पे। ये बताओ, अगर कोई खर्चा सिर्फ तुम्हारा रिसर्च पे हुआ है, कोई खर्चा सिर्फ तुम्हारा रिसर्च पे हुआ है, इन दैट केस उसको क्या करना चाहिए? अपने को ओनली खर्चा रिसर्च पे हुआ है, उस खर्चे को क्या करना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर लेना चाहिए। तो ये 10 लाख रुपए तो मेरा प्रॉफिट लॉस में अभी का भी राइट ऑफ होना चाहिए। तो मेरा 12-13 में 10 लाख रुपए जो भी खर्चा हुआ है वो सीधा का सीधा कहाँ बचेगा? P&L अकाउंट में। वेरी गुड चिराग। नाउ अब यहाँ पे बोला डेवलपमेंट का फेज शुरू हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस बिगन ऑन 1 सितंबर 2012। अब यहाँ से तुम्हारा डेवलपमेंट शुरू हो रहा है एंड अप टू 31 मार्च 2013 अ सम ऑफ 8 लाख वॉज इंकर्ड एज अ डेवलपमेंट फेज, ओके, विच मीट द रिकग्निशन क्राइटेरिया। तो आपका जो R&D में डेवलपमेंट का खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है? 8 लाख का। कितना हुआ है बेटा? 8 लाख रुपीज का। अंडरस्टूड? आगे देखिए, तो ये आपका डेवलपमेंट हो गया। अब बताओ डेवलपमेंट का खर्चा है तो अपने को कंडीशन चाहिए होती है, तो यहाँ पे दे रखा है कि वो असेट रिकग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसका मतलब वो असेट तो बन जाएगा। अब कितने वैल्यू पे बुक करूँ ये प्रॉब्लम है। क्या 8 लाख का कॉस्ट जो मेरा हुआ है उस पर बुक करूँ, या फिर जितना मुझे उसको बेनिफिट मिलने वाला है उस पर करूँ? तो विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे देखिए, 1 अप्रैल 2013 से कंपनी हैज़ इम्प्लीमेंट द न्यू प्रोसेस डिजाइन एंड इट इज़ लाइकली दैट दिस विल रिजल्ट इन आफ्टर टैक्स सेविंग 2 लाख पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अब ये बोल रहा है कि इससे आपको जो कैश इनफ्लो होगा, पैसा जो आएगा फ्यूचर में, वो कितना आएगा? 2 लाख रुपए एवरी ईयर 2 लाख रुपए आएगा आने वाले 5 साल तक, नेक्स्ट 5 ईयर तक। अब अपने को उसका PV चाहिए। क्या चाहिए? PV चाहिए। तो उसके लिए दे रखा है द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज 10%। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल PV निकालेगा, डिस्काउंटिंग जो रेट है वो कितना है? 10%। और आगे भी देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर ऑफ 1 रुपीज फॉर 5 ईयर इज 10% इज 3.7908। ये तुमको एन्युटी फैक्टर दे रखा है, एन्युटी फैक्टर। तो अब मुझे बताइए आप लोग कि जब 2 लाख रुपए मुझे दे रखा है पर एनम है, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला याद करो, वैसा हो गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इनटू यहाँ पे एन्युटी दे रखा है 3.7908 ये दे रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मेरा PV मिल जाएगा। तो 3.7908 इंटू 2 कितना आया बेटा? 7.5816। कितना आया? 7.5816। दैट इज द कैश इनफ्लो इन फ्यूचर। ये तुम्हारा कैश इनफ्लो है इन फ्यूचर। ये तुम्हारा कॉस्ट हुआ है। अपना आंसर क्या होता है? विच एवर इज लोअर। क्या होता है? विच एवर इज लोअर। तो दोनों में से छोटू कौन है? कैश इनफ्लो यानी 7.5816, बराबर है। तो तुम्हारा इनटेंजिबल असेट कितने से दिखेगा? 7.5816 से दिखेगा। अब सुनो, यहाँ पे आपने खर्चा किया 8 लाख का डेवलपमेंट पे, पर तुम असेट को दिखाओगे कितने से? 7.5816 से। तो बचा हुआ जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? उसको अपन राइट अप कर लेंगे P&L में, अमोर्टाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा कॉस्ट जो है 8 लाख आया, PV ऑफ कैश इनफ्लो वो तुम्हारा आया था 7.5816 ना, हाँ ये आया था। अब आपको तो पता है कि बैलेंस शीट जब बनाऊंगा ना बैलेंस शीट, तब उसमें एज अ इनटेंजिबल असेट मैं जो दिखाऊंगा वो विच एवर इज लोअर दिखाऊंगा, यानी मुझे ये दिखाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया 7.5816, ये दिखा दिया। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने खर्चा किया था ना, तो मैंने कितना किया था? 8 लाख का।
तो उसमें से आठ में से इतना तो दिख गया अपना सीधे का सीधा इंटेंजिबल असेट में, बचा हुआ और भी पड़ा है वो कहाँ पे जाएगा? तो मैंने बोला उसको राइट ऑफ करेंगे पी एंड एल अकाउंट में। कहाँ पे राइट ऑफ करेंगे? पी एंड एल के अकाउंट में। तो बताओ आठ में से 7.581 से खर्चा तो तुमने दिखा दिया, तो बचा हुआ तुम्हारा 0.41864, वो तुम्हारा जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे जाएगा तुम्हारा? पी एंड एल अकाउंट में। बोलो क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बुक में आपकी क्या दे रखा वो देख लेते हैं। चलो रिसर्च एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो जो तुम्हारा रिसर्च का खर्चा है उसके बारे में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द AS 26 इंटेंजिबल असेट द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च ऑफ अ न्यू प्रोसेस डिजाइन फॉर इट्स प्रोडक्ट 10 लाख शुड बी चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट इन द ईयर विच इट इज इंकर्ड। इट इज प्रिज्यूम दैट द एंटायर एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 12-13, हैंस इट शुड बी रिटन ऑफ एज अ एक्सपेंस इन दैट लास्ट ईयर इट्सेल्फ। तो ये मैंने बोला था जो अपना रिसर्च खर्चा था 10 लाख का, वो आपको ऐसा ऐसा राइट अप करना था पी एंड एल अकाउंट में। तो ये तो तुम्हारा पूरा हो गया। नाउ अपन बात करते हैं किसके बारे में? डेवलपमेंट के बारे में। तो इट इज़ गिवन दैट द डेवलपमेंट फेज एक्सपेंडिचर अमाउंटिंग टू 8 लाख इंकर्ड अप टू 31 मार्च 2013 मीट्स असेट रिकग्निशन क्राइटेरिया। हम ये मानते हैं भैया वो असेट रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हुआ है एज पर AS 26। फॉर मेजरमेंट ऑफ सच इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल असेट फेयर वैल्यू शुड बी एस्टिमेट बाय डिस्काउंटिंग एस्टिमेट फ्यूचर नेट कैश फ्लो। तो देख लो 2 लाख था, उसका 10% के हिसाब से, इतने के हिसाब से ये तुम्हारा आ गया, क्या आ गया? PV आ गया। नाउ 8 लाख और 7.582 विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन है? 7.582 इस पर हम बुक करेंगे। द डिफरेंस जो तुम्हारा डिफरेंस था मैंने लिखा था 4.418 विल बी अमोर्टाइज। अमोर्टाइज मतलब ट्रांसफर टू पी एंड एल, अमोर्टाइज मतलब ट्रांसफर टू पी एंड एल, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन करते हैं ना, राइट ऑफ करते हो वैसे अमोर्टाइज, बाय प्लायमाउथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 12-13, ठीक है, इतना तुम पी एंड एल में डाल दोगे। अब आगे सुनो, अमोर्टाइजेशन ये मुझे बताना बाकी है, ये मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? ये था तुम्हारा कैसे अपन कॉस्ट को मेजर करते हैं वो वाला सीन। चलिए अब देखिए यहाँ पे दे रखा आगे, पास्ट एक्सपेंसेस नॉट टू बी रिकग्नाइज एज एन असेट। इसका मतलब वो वाला हो गया, क्या हो गया? रिसर्च का, ठीक है, कि रिसर्च का खर्चा तुमको कभी भी असेट नहीं दिखाने का है। नाउ नो डेफरमेंट ऑफ एक्सपेंस आर अलाउड, ये मैंने आपको बता दिया है, कोई भी डेफरमेंट यहाँ पे रिसर्च का डेवलपमेंट डेफरमेंट अलाउड नहीं होता है, ठीक है। अब अमोर्टाइजेशन की बात करते हैं, अब समझना पड़ेगा आपको अमोर्टाइजेशन मतलब क्या होता है। तो ये बताओ जब अपने पास फिक्स असेट होती है ना, टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, तो हम उसके ऊपर क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है, ताकि उसका वैल्यू एट द एंड में खत्म होने वाला है और उसके बदले अपने को दूसरे असेट लेनी पड़ेगी, तो उसको सही करने के लिए अपन क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करते हैं। एट द एंड वो असेट का वैल्यू जीरो या कुछ जो भी होगा वो हो जाएगा। सेम का सेम इनटेंजिबल असेट होता है, बट ऑब्वियसली वो टेंजिबल तो है नहीं, तो यू कांट चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन दैट, तो अपन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा सर?
अब उसको अपन करते हैं, क्या करते हैं, अमोर्टाइज, क्या करते हैं, अमोर्टाइज। इट्स सेम लाइक अ डेप्रिसिएशन, बट अपन जो वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं अमोर्टाइजेशन। अब वहां पे कोई रेट नहीं होती है, कोई रेट नहीं है कि इस पे इतना परसेंट, इस पे इतना परसेंट, तो आपने वो देखना पड़ेगा उसका रूल कि आप कैसे इनटेंजिबल असेट को अमोर्टाइज करोगे। तो अमोर्टाइज करना है तो आपके पास दो चीज़ें होती है। पहली, अगर उस असेट से कितना अपने को बेनिफिट मिलने वाला है वो रेशियो आपको पता है। इसका मतलब आपको पता है कि उससे असेट से आपसे कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। सपोज करो मैंने एक कंपनी के एक प्रोडक्ट के ऊपर R&D किया, मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट पे R&D किया, ठीक है, जैसे अपन ने कोविड वैक्सीन पे R&D किया, तो अपनी कंपनी ने कोविड वैक्सीन पे क्या किया, R&D किया, और उस पर मान लो 100 लाख रुपीज़ का अपने को खर्चा आया। कितना आया, 100 लाख रुपीज़ का खर्चा आया। अब मुझे पता है कि कोविड की जो वैक्सीन है वो सिर्फ मैं आने वाले 2-3 साल तक यूज़ कर सकता हूँ, मान लो 3 साल तक या 2 साल तक ही कर सकता हूँ, सपोज करो 2 ईयर तक। अब मुझे कैसे पता है कि, मुझे पता है कि जो मैं लोगों को दूंगा, मतलब जो वैक्सीन मैं बनाऊंगा इस फॉर्मूले से, उसकी जो वैक्सीन होगी वो फर्स्ट में बनेगी 1 लाख लोगों के लिए, ठीक है, और सेकेंड ईयर में वो बनेगी 50,000 लोगों के लिए, या मान लो डबल कर देता हूँ या ट्रिपल करना, जो आप करना है कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 3 लाख लोगों के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे रेशियो ऑफ बेनिफिट पता है, मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज़ करके मैं कितना आउटपुट लाएगा, तो मुझे पता चल गया बेनिफिट कितना होगा फ्यूचर में। तो मुझे लगता है भाई फर्स्ट ईयर अपना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो टाइम लेगा, तो 1 लाख वैक्सीन नहीं बन पाएगी, बट सेकेंड ईयर में अपना अच्छा इंप्रूवमेंट होगा और जो अपना आउटपुट होगा वो 3 लाख यूनिट का होगा, 3 लाख वैक्सीन का होगा। नाउ रेशियो इज 1:3, क्या हो गया रेशियो, क्या हो गया तुम्हारा, 1:3 हो गया, दैट इज योर बेनिफिट रेशियो। तो ये बोलता है ये जो 100 लाख है इसका बेनिफिट तुम्हें कितना मिलेगा, 1:3 के रेशियो में। आपको नहीं लगता इसको अमोर्टाइज भी इसी रेशियो में करना चाहिए? यस सर, तो मैं इसको अमोर्टाइज भी इसी के रेशियो में करेगा, 25 लाख फर्स्ट ईयर में और 75 लाख सेकेंड ईयर में, ऐसा मैं इसको राइट ऑफ करेगा 2 साल में। बोली समझ में आया ये वाला? और 2 साल के बाद मेरे इनटेंजिबल असेट की वैल्यू 0 रुपीज़ रहेगी, और वो सही भी है क्योंकि उससे बाद में कोई बेनिफिट होगा नहीं उससे। क्या आपको समझा? चलो तो आपके पास दो चीज हो सकती है, सुनना, या तो आपको ये बेनिफिट का रेशियो दे रखा होगा जैसे यहां पे था। अब ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक कोविड-19 की वैक्सीन तो फर्स्ट टाइम आई है, हमको नहीं पता कि कितनी वैक्सीन चाहिएगी, मतलब कितना आउटपुट होगा, वी डोंट नो, पता ही नहीं है ना कितने साल चलेगा ये और कितने साल तो मतलब कब तक पहुंच पाएगा, कितना आउटपुट चाहिए, वी डोंट नो। तो अपने पास रेशियो बेनिफिट नहीं है तब क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए क्या आपके पास रेशियो बेनिफिट है कि नहीं है। इफ रेशियो ऑफ द बेनिफिट इज गिवन, आंसर इज यस, तो जो भी आपका रेशियो बेनिफिट होगा उसके हिसाब से आएगा, ओके, बट आंसर इज नो नो नो, आंसर इज नो। तुम्हारे पास रेशियो बेनिफिट नहीं है तो आपको क्या करने का है, जितना भी आपने खर्चा किया है ना उसको मैक्सिमम 10 ईयर में राइट ऑफ करने का है। 100 लाख को कितने साल में राइट ऑफ करने का है, 10 ईयर में, समझ में आया, कितने साल में, 10 साल में मैक्सिमम राइट ऑफ करना है। कंपनी चाहती है फर्स्ट में पूरा कर ले, कर लो, कंपनी चाहती है नहीं, अपने को लॉस नहीं दिखाने का, अपन 5 साल में करेंगे, कर लो, कंपनी को मैक्सिमम कितना ये दिया है, 10 ईयर में आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, अंडरस्टूड, मैक्सिमम 10 ईयर। लेकिन किंतु परंतु सुनो, अगर आपके पास प्रूफ है, क्या है आपके पास, बकायदा प्रूफ है कि इसका मुझे बेनिफिट मोर देन 10 ईयर मिलेगा, आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हो, लाइक आपने लाइसेंस लिया है, बराबर, लाइसेंस लिया है खुदाई खुदाई का, कोल माइंस का, या किसी का चीज़ का आपने लाइसेंस लिया है, और आपने जो लाइसेंस लिया वो 20 ईयर्स का लिया है, कितने साल का लिया है, 20 ईयर्स का, इन दैट केस तुमको पता है कि भाई 20 ईयर वो मेरे पास लाइसेंस है तो 20 ईयर्स का वैलिडिटी है, तब तुम उसको 20 ईयर में राइट ऑफ कर सकती हो। इसका मतलब अगर अपने पास एकदम उम्दा प्रूफ नहीं है तो फिर अपने को उसको 10 ईयर में राइट ऑफ करना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला तो भी हम 10 ईयर में करेंगे, बट अगर ऐसा लिखा है कि आपके पास प्रूफ है
आप उस चीज़ को एस्टेब्लिश कर सकते हो कि भैया ये मोर देन 10 ईयर चलेगा विद सर्टेन कंडीशन, तो हम उसको मोर देन 10 ईयर लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ओके, तो तुमको दिमाग में एक ही चीज़ रखने का है, कितना 10 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो काट के सही कर लेते हैं। जो तुम्हारा होगा वो कितना होगा 10 ईयर्स, तो इसको काट लेते हैं पूरे को और यहाँ पे एक नया बॉक्स बना लेते हैं 10 ईयर्स। कितने साल में राइट ऑफ करने का अपने को 10 ईयर्स में करने का है। बोलिए समझ में आया ये वाला? टेन ईयर्स से ज़्यादा हो सकता है क्या? नॉर्मल आंसर नो, बट अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका लाइफ जो है ना मोर देन 10 ईयर है, और साथ में कुछ दे रखा होगा कि उसका लाइसेंस है, उसके पास प्रूफ है, वो ऐसे एस्टेब्लिश कर सकता है, इन दैट केस मोर देन 10 ईयर। पर कोई बंदा ऐसे ही अनजाने में बोल देता है 20 ईयर में राइटअप करेगा, 15 साल में करेगा, आंसर इज नो, नहीं चलेगा। यू हैव टू प्रूव, ठीक है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई इसका लाइफ जो है वो मोर देन 10 ईयर है। ओके, सो इन दैट केस इफ यू हैव अ प्रूफ, ओके, कि उसकी लाइफ जो है वो क्या है, दैट इज मोर देन 10 ईयर, इन दैट केस अपन उसको कंसीडर कर सकते हैं, कितना मोर देन 10 ईयर, अदरवाइज नो। बोलो बोलो बोलो, ठीक है, चलो बढ़िया। नाउ अब सुनो, आपने अर्लियर अमोर्टाइज, यानी पहले अमोर्टाइज, मतलब ऐसा हो गया है करंट ईयर में तुमको कुछ चीज़ पता चलती है, आपका साल चल रहा है 2019-20, आपको प्रीवियस ईयर का कुछ मालूम पड़ता है, प्रीवियस ईयर का। दो चीज़ हो सकती है कि या तो आपने अमोर्टाइज किया बट रॉन्ग किया, क्या बोलता है, या तो आपने अमोर्टाइज किया बट क्या किया, रॉन्ग किया, या फिर आपने कभी अमोर्टाइज किया ही नहीं। दो केस हो सकते हैं, या तो आपने अमोर्टाइज किया प्रीवियस ईयर में बट क्या किया, रॉन्ग किया, या आपने कभी अमोर्टाइज किया ही नहीं। तो देख लो, अगर अर्लियर आपने अमोर्टाइज किया, यस, बट क्या किया, रॉन्ग किया, रॉन्ग किया, रॉन्ग किया, क्या किया, रॉन्ग किया, गलत कर दिया, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपने कम किया ना उतना तुमको अभी राइट ऑफ करना पड़ेगा। सपोज करो कि मुझे ये पता ही नहीं था 10 ईयर वाला रूल, ठीक है, मैं नया नया अकाउंटेंट लगा, तो मुझे लगा कि कंपनी का जो ये कॉपीराइट है या पेटेंट है, इसको मुझे 15 साल में राइट अप करना चाहिए था। सपोज करो अपने पास 150 लाख का उसका कॉपीराइट है, 150 लाख का कॉपीराइट है, तो मुझे लगा 15 साल का इसका लाइफ होता है, तो 15 साल में राइट अप करने का, तो मैं इसको 15 साल में राइट अप कर रहा था 15 ईयर में, बराबर है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में 10 राइट अप किया, सेकंड ईयर में 10 किया, थर्ड ईयर में 10 किया। नाउ अब मुझे पता चला कि अरे यार गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी, कि इसकी लाइफ 15 नहीं होती है, इसकी लाइफ तो 10 ही होती है किसी भी टेंजिबल असेट की, क्योंकि इसको 10 ईयर में राइट अप करना पड़ता है। इन दैट केस मुझे यहाँ पे 15, 15 और 15 करना था। तो यहाँ पे देखो, मेरा जो अमोर्टाइज हुआ वो कितना हुआ है 30, बट कितना होना चाहिए था 45, कितना होना चाहिए था 45। ये बताओ, मैंने 15 का कम अमोर्टाइजेशन किया ना, 15 का कम अमोर्टाइज किया है, तो उतना अमोर्टाइजेशन मैं अभी कर लूँगा, तो मैं लिखूँगा 2 इंटेंजिबल असेट कम करना था, 2 इंटेंजिबल असेट कितना 15, जो डिफरेंस था वो वाला। ओके, अब 2 इंटेंजिबल असेट तो आपने लिख दिया, देख लो किधर गया, ये रहा 2 इंटेंजिबल असेट तो लिख दिया, अब ये किस में से कम होगा, तो आप इसलिए लॉ मना बोलता है, इसको आप P&L में मत डाल देना, वरना लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि किस चीज़ का ये, उसको उनको लगेगा करंट ईयर का हुआ है। तो आपको क्या करने का है, उसको दूसरे आपके पास फ्री रिजर्व होता है, पता है, रेवेन्यू रिजर्व होता है या जनरल रिजर्व होता है, उसको डेबिट कर लेने का। तो किसको डेबिट करेगा, रेवेन्यू रिजर्व या जनरल रिजर्व, यानी दूसरे फ्री रिजर्व को। इन दैट केस मेरे पास फ्री रिजर्व नहीं है तो मैं P&L अकाउंट ले सकता है, अदरवाइज नहीं। क्या ये तुमको समझ में आया?
चलो बढ़िया। नाउ लिसन, अगर आपने कभी भी अमोर्टाइजेशन नहीं किया है, आपने कभी भी अमोर्टाइजेशन पहले किया ही नहीं है, इसका मतलब तुम किसी कंपनी में गए एज ए अकाउंटेंट और उधर तुमको दिखा कॉपीराइट और पेटेंट, तो आपने नोटिस किया कि कॉपीराइट तो बड़ा अमाउंट दिख रहा है, तो आपने अकाउंटेंट को पूछा उधर जो पहले से था कि भैया आपने ये कॉपीराइट कितने में लिया था, बोला मैं हम जो दिख रहा है उतने में लिया, तो तुमने पूछा कि आपने उसको राइट ऑफ नहीं किया, तो बोला अच्छा इनटेंजिबल से राइट ऑफ भी होता है क्या, वो तो डेप्रिसिएशन होता है, बोला नहीं नहीं यार तुमने AS 26 लगता है पढ़ा नहीं है, तुमने AS 26 पढ़ा नहीं है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसको अमोर्टाइज करना होता है, तो बोले अच्छा ऐसा भी होता है क्या, हाँ जी, तो यहाँ पे सामने वाले बंदे ने कभी राइट ऑफ किया ही नहीं है, ये देखो इधर कभी उसने राइट ऑफ नहीं किया है, कभी राइट ऑफ नहीं किया है, ऐसा ऐसा 150 लाख दिख रहा है। अब तुमको पता चला कि भैया ने राइट ऑफ तो किया ही नहीं है, बट अभी 3 साल हो गए, तो 10 10 ईयर में मैक्सिमम लेता हूँ, तो 15 15 15 45 का मुझे राइट ऑफ करना चाहिए अभी, तो 45 का तुम राइट ऑफ करोगे, ठीक है, तो अगर असेट कम होगा तो बेटा यहाँ पे तो आ गए इनटेंजिबल असेट 45, ये 45। अब ये एएस क्या बोलता है पता है, ये थोड़ी सी गड़बड़ इसमें, ये एएस बोलता है कि यहाँ पे आपको ऊपर लिखना है पीएनएल अकाउंट, क्या लिखने का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप ऊपर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने पढ़ा होगा प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, इसको अपन क्या दिखेंगे, प्रायर पीरियड आइटम, तो ये तो बराबर है, आपको नहीं लगता इससे पहले भी जो आपने रॉन्ग किया उसमें भी प्रायर पीरियड आइटम करना चाहिए था, बट यहाँ पे ये इस मना बोलता है, वो बोलता है उसको जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व डालो, हमको क्या पड़ी है, हम भी ऐसे ही करेंगे, इन डेज में ऐसे ही कर लिया गया है, तो हम उसको क्या बोलते हैं एज अ प्रायर पीरियड आइटम, तो यहाँ पे ये बराबर है कि आपने अगर अभी तक कभी किया ही नहीं है तो ये तुम्हारा ओमिशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, प्रायर पीरियड आइटम बोलेंगे, तो प्रायर पीरियड अकाउंट अभी टू इनटेंजिबल असेट, जबकि पहले क्या बोला था किया है बट रॉन्ग किया है, तो जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट अभी टू इनटेंजिबल असेट, ये था तुम्हारा अर्लियर अमोर्टाइजेशन का, और इसी तरह तुम्हारा AS 26 की था सारी थियरी हो गई ख़त्म, अब सिर्फ अपने को क्वेश्चन करने के हैं, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को भी यहाँ तक डाउट है तो आप बोल सकते हो, नहीं, प्रायर पीरियड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, प्रायर पीरियड मतलब क्या, पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट तो लिखेगा टू इनटेंजिबल असेट, हाँ अगर पीएनएल इसमें कहाँ पे आएगा तो फिर तेरा आएगा वो कहाँ पे, अदर में, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो अदर में आएगा, बराबर है, अब ये देखते हैं 78 देखिए, हीरा लिमिटेड हैज गॉट द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर द 10 ईयर एट अ लाइसेंस फीस ऑफ 200 लाख, तो आपने एक लाइसेंस लिया है बेटा, कितने का लिया है, 200 लाख का लाइसेंस लिया है, 200 लाख का लाइसेंस, अब उस लाइसेंस से गिवन बिलो द पैटर्न ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, उससे इतना तो अपन प्रोडक्शन करेंगे और इतना अपने को कैश इनफ्लो आएगा, पैसा इतना आएगा, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड में इतना, 4 5 6 7 8 9 10 ये सब दे रखा है, नाउ नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो हैज इंक्रीज फॉर द थर्ड ईयर बिकॉज ऑफ बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग मेथड, तो बोलता है कि आपका इसके लिए बड़ा कि आपने बेटर इन्वेंट्री में हैंडल किया, ये किया, हमको उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता ना, सजेस्ट द अमोर्टाइजेशन मेथड, आपको बोला है अमोर्टाइजेशन मेथड बताइए, तो हमको तो पता है कि जब भी अमोर्टाइजेशन की बात आएगी तो हम देखेंगे क्या आपको रेशियो ऑफ बेनिफिट दे रखा है, इफ आंसर इज यस तो उसके रेशियो में, अगर आंसर इज नो देन अपना SLM यूज करेंगे,
तो क्या यहाँ पे रेशियो बेनिफिट देखा है? आंसर इज यस। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कौन सा रेशियो बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन वाला होगा कि कैश फ्लो वाला होगा? बताओ कौन सा वाला यूज करूँ मैं, ये यूज करूँ या ये यूज करूँ? बोलिए कौन सा डेटा अपने को यहां पे यूज करना है, प्रोडक्शन इन बोटल्स या फिर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो? कौन सा डेटा यूज करो? बताओ यहां पे कौन सा बेनिफिट का रेशियो के लिए मैं यूज करूंगा, प्रोडक्शन वाला या नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाला? चलिए तो अभी सुनिए, आप एक कंपनी चला रहे हो, आप एक मैन्युफैक्चरर मतलब हो, ठीक है, आपके पास कंपनी है, आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, मतलब आपके लिए बेनिफिट क्या है, कि आपने जितना ज़्यादा यूनिट बेनिफिट किया प्रोडक्शन किया वो वाला, या उससे कितना पैसा आया वो वाला? बताओ तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी, तुम्हारा बेनिफिट कौन सा होगा, बेनिफिट रेशियो कौन सा होगा, जितना आपने प्रोडक्शन किया वो तुम्हारा बेनिफिट है या उस प्रोडक्शन से कितना पैसा आता है वो वाला बेनिफिट है? सोच के बताना कि एक बंदे को क्या इंपॉर्टेंट लगेगा तुमको, कितना आपने प्रोडक्शन किया वो वाला या उस प्रोडक्शन से कितना पैसा आया वो वाला? यस, पैसा, अगर आपने वो पैसा दे रखा है ना तो पैसे भी जाएंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बंदा 1,00,000 यूनिट बनाता है बट उसका जो इनकम है वो 10,000 रुपये होता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो 1 यूनिट बनाता है बट उसका इनकम 1,00,000 होता है। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे वो देखेंगे पैसा पैसा पैसा, लेकिन पैसा नहीं है इन दैट केस अपन प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो अगर दोनों दे रखा है तो मेरा ध्यान सिर्फ पैसे पे होगा, मुझे नहीं देखना कि कितना क्या आया। अब मेरे पास बस 10 बचे आते हैं 20 बचे आते हैं बट मैं अपना फीस देखेगा, अगर मुझे फीस दिखता है तो फीस को मैं कंसीडर नहीं करता, उस टाइम पे मैं बच्चों को देख सकता है, बस उससे पहले क्या देखेगा, फीस देखेगा। ऐसा जैसे लाइक सीए में बेटा कम बच्चे होते तो भी चलता है बिकॉज फीस हाई होता है, कोई बीकॉम में क्या होता है फीस कम होता है तो ज़्यादा बच्चे होने पर काम होता है। तो अगर मैं पैसा से पहले चीज़ में देखेगा वो देखेगा पैसे पे कि क्या वो पैसा मेरे लिए इनफ है नहीं है, अगर पैसा नहीं दे रखा है इन दैट केस में नंबर ऑफ प्रोडक्शन में चला जा सकता है। ओके तो यहाँ पे अगर दोनों दे रखा है तो अपना जो फोकस होगा वो सिर्फ एक पे ही होगा, दैट इज योर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कितना पैसा आया अपने पास वो वाला इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है तो अपन इसको कंसिडर करेंगे, इसको नहीं, तो ये कुछ काम का नहीं है, अगर वो दे रखा है तो ये कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है ये, अपने लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब अपने को पता है कि अपना इनटेंजिबल असेट कितने का है, अपना जो इनटेंजिबल असेट है बेटा वो 200 लाख का है, 200 लाख का, कितने का है 200 लाख का। अब इसको अपने को रेशियो बेनिफिट में बांटने का है, इसका मतलब देख लो 900 1800 2300 3200, उसके बाद एंड तक कितना ही है 3200 3200 3200, कितना होगा 3 3 6 7 8 9 और 10,
ये देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब इसके हिसाब से इसको रेशियो में बांट लो। अब अपन इन सबको रेशियो में बांट लेंगे, फर्स्ट ईयर में कितना अमोर्टाइज करने का, सेकंड ईयर में कितना करने का, बराबर है। तो इन सबका मैं टोटल कर देगा, टोटल कर दो, इन सबका टोटल अपन करेंगे तो अपने पास कितना आएगा वो चेक कर लीजिए। देख लो 3200 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 सेवन 22400 प्लस 2300 प्लस 1800 प्लस 900 27400। तो इन सब का टोटल कितना होता है 27400। तो देख लो 27400 बराबर है। अब मैं कैसे बांटेगा, फर्स्ट ईयर में देखो 200 लाख इंटू 27400 इंटू फर्स्ट ईयर का 900 जैसे रेशियो में आप बांटते हो। इसी तरह सेकेंड ईयर में 200 इधर 200 आएगा, हर बार 200 इधर आएगा, इंटू 1800 दिवा बाई 27400, इधर 200 इंटू 2300 डिवाइड बाई 27400, फिर यहाँ पे 3200 इंटू 200 तो चलता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 200 इंटू 3200 डिवाइड बाई 27400 ऐसा, ओके इस हिसाब से मैं बांटेगा। अगर सपोज करो तुम्हारा लास्ट में थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है तो आप लास्ट वाले अमाउंट में आप उसको डिफरेंस को डाल देना, ठीक है। तो ये देखिए 27400 आ गया, आप उसको बांट लो। यहाँ पे उसने राउंड अप करके दे रखा है लैक्स में, तो फर्स्ट का 6 लेक आ गया, सेकंड का 12 लेक आएगा, यस थर्ड का इतना आएगा, फोर्थ का इतना आएगा, ये इसने राउंड अप करके दे रखा है। जैसे मैंने कि आपको एग्जाम में ऐसा ही करने का, ये वाला ऐसे ही फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ऐसा लिख देना नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, उसके बाद उसका अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट टू बी राइट ऑफ, और उसमें ऐसा ऐसा फॉर्मूला करके इक्वल टू लिख देना, ठीक है 6.57। उसके बाद इसमें कितना आएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 200 डिवाइड बाय 27400 इंटू 1800 13.13 ऐसा। तो आप वैसे लिख सकते हो, ओके। और जो भी तुम्हारा डिफरेंस है वो तुम लास्ट वाले में डाल सकते हो एक तरह से। अब आईसीआई ने क्या किया, क्या किया यहाँ पे देख लो, इसने क्या किया पता है, 27400 ले लिया टोटल और डिवाइड बाय ये कर लिया 900 डिवाइड बाय 27400, 900 डिवाइड बाय 27400 तो आ गया 0.03। तो इसने 2 डिजिट तक लिया है और उसको रेशियो बोल दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ऐसे करें वैसे करें, बात एक ही है, तुम ऐसे ही करना जैसे मैंने सिखाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। बोलो क्या ये आपको समझ में आया, तो सिंपल सी चीज़ थी, आपको बस रेशियो में बांटने का था, ठीक है। यहाँ पे जो रेशियो मैंने निकाला था ऐसा इस रेशियो में बांट सकते हो, बट ये प्रेजेंटेशन ऐसी मत रखना जैसे मैंने आपको बताया था कैसे यहाँ पे किया है वैसा करना। चलो तो ये भी तुम्हारा हो गया, एक तो हो गया और देखते हैं। चलिए ये देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 70। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। अ कंपनी हैड डेफर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 150 लाख, तो R&D का खर्चा कंपनी का कितना हुआ है, 150 लाख रुपया। सेल्स एक्सपेक्टेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर आर एज अंडर, जो अपने को सेल्स होगा वो कैसे होगा देख लो,
सेल्स 400 इन ईयर वन, 300 इन ईयर टू, 200 इन ईयर थर्ड और फोर्थ ईयर में कितना 100 का। तो इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, सेल्स होगा। यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट हाउ शुड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट। इसका मतलब आप अमोर्टाइजेशन कैसे करोगे वो पूछा है। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर थर्ड, यहाँ पे इट इज़ फेल्ट दैट नो फर्दर बेनिफिट विल अक्रू इन ईयर फोर। थर्ड ईयर में इनको लगता है कि थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है, कि भैया फोर्थ ईयर में भी अपने को कोई बेनिफिट उससे होने वाला नहीं है, तो हाउ द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंडिचर विल बी डील विद द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो आप कैसे उसको अकाउंटिंग अपने डील करोगे। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मेरा टोटल इंटेंजिबल असेट जो है, मेरा जो टोटल इंटेंजिबल जो असेट है जो है वो कितना है सर, वो है 150 लाख का, 150 लाख का, बराबर है। तो अब ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री और ईयर फोर, तो देख लो रेशियो बेनिफिट दे रखा आपको, सेल्स कितना है वो रेशियो बेनिफिट हो गया 400, 300, 200, 100। तो यहाँ पे देखिए रेशियो आपने को मिल गया 400, 300, 200 और 100। ओके, तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट टू बी अमोर्टाइज, ठीक है, कितना होता है बेटा 7, 8, 9, 10, 60, 45, 45 दो बार कैसे आया रे, 150 डिवाइड बाय 1000 × 30 और 15, बराबर है। तो 60, 45, 30 और 15 आप चेक कर लेना एक बार। तो ये जो तुम्हारा है दैट इज योर रेशियो ऑफ बेनिफिट, ये तुमको क्या देखा है, रेशियो ऑफ बेनिफिट देखा, तो उसके हिसाब से अमोर्टाइजेशन तुम्हारा आ गया, राइट। अब ये बताओ 2 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, तो आप ऑलरेडी कितना राइट ऑफ कर चुके होगे, यहां तक आप राइट ऑफ कर चुके हो, यहां तक आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हो, ये पेनल में चला गया है, ये राइट ऑफ ऑलरेडी हो गया है। अब थर्ड ईयर में अपने को इधर मालूम चला कि कोई फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होगा, तो थर्ड ईयर में मैं 30 लाख डालने वाला था, पर अब मुझे पता कि फ्यूचर में भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो मैं पूरा का पूरा दोनों मिला के थर्ड ईयर के एंड में ही 45 लाख रुपीस P&L में डाल देगा। बोलो समझ में आया ये वाला, थर्ड ईयर में कितना पूरा का पूरा 45 जो बचा हुआ था 30 ईयर का, 15 लाख नेक्स्ट ईयर का पूरा का पूरा डाल देगा। क्या ये आपको समझ में आया? तो अगर मुझे कोई पूछता आपने कैसे राइट ऑफ किया, तो फर्स्ट ईयर में 60, सेकंड ईयर में 45 और थर्ड ईयर में भी तुम्हारा 45। यस मिस्टर मानव, बराबर बोलो, क्या ये आपको समझ में आया? तो देखो सबसे पहले तो जैसे मैंने रेशियो निकाला है, वो रेशियो निकाला है, तो आप देख सकते हो, आप भी, आपको भी ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। सेम चीज़ को आपको ऐसे ऐसे लिखना है बॉक्स वाइज में, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आप ऐसे लिखोगे 400, ऐसे रेशियो आपने निकाला। नाउ ये फर्स्ट पॉइंट था, नंबर पॉइंट नंबर टू, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर थर्ड द सर्कमस्टेंसेस डू नॉट जस्टिफाई द फर्दर बेनिफिट विल अक्रू इन ईयर फोर, देन द कंपनी हैज टू चार्ज द अमोर्टाइज्ड अमाउंट रिमेनिंग 45, दोनों ये ऐसे आ गया, एज अ एक्सपेंस इमीडिएटली। ओके, फिर ये तो वो पूरा रूल समझाया गया है, अपना आंसर ये है। तो बोलो यहां तक कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अब देखो जैसे अपने एक एग्जांपल कितना वैसे दे रखा है, बट इसमें थोड़ी सी गड़बड़ की ICAI ने, वो देख लो। NDA कॉरपोरेशन इज एंगेज इन रिसर्च ऑन अ न्यू प्रोसेस डिजाइन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इट हैड इनकर्ड एक्सपेंडिचर 530 लाख ऑन रिसर्च। तो बेटा ये 530 लाख पूरा पेनल में आएगा, बिकॉज रिसर्च है। डेवलपमेंट जो तुम्हारा हुआ है वो 360 लाख का हुआ है, जो असल टेक्निशियन क्राइटेरिया मेट होता है। आगे बोलता है 1 अप्रैल से तुम्हारा इतना कैश इनफ्लो होगा 80 लाख का,
जिसका अगर वैल्यू निकालो 3 साल का तो इतना होता है। तो मैंने बोला कॉस्ट और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो वो है कितना आया तुम्हारा, सॉरी ये 360 लाख था, कॉस्ट तुम्हारा 360 था, कॉस्ट इज 360 और ये जो तुम्हारा आया 80 × 3.7098 कितना है 7908। तो देख लो 80 × 3.7908 तो बेटा ये आ गया 303.264। तो विच एवर इज लोअर तो इस पर बुक करेंगे, बचा हुआ डिफरेंस जो तुम्हारा था वो कहाँ बचेगा, पी एंड एल अकाउंट में। पर यहाँ पे देखिए आईसीआई ने कुछ खेल खेल दिया यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पहला ये ठीक है जो तुम्हारा रिसर्च का हुआ है वो पी एंड एल में जाना चाहिए था, बराबर है। अब यहाँ पे ये जो आईसीआई ने दे रखा है ये वाला, ये वाला ये पूरा गड़बड़ किया है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बोलो समझ में आया है? तो ये आप जब भी करो तो आपको ये नहीं लिखने का है इतना कार्ड देने का है, यहाँ पे सिर्फ 530 लाख रुपये जो तुम्हारा हुआ स्टार्टिंग में वो पी एन एल में जाएगा। उसके बाद तुम्हारा कॉस्ट देखो ऐसे आपने निकाला 303 ये आ गया, उसके बाद दोनों में विच एवर इज लोअर वो ले लिया, ये डिफरेंस था वो डाल दिया आपने कहाँ पे, पी एन एल अकाउंट में।